हेलो, ये है वेव ऑप्टिक्स का और इसमें भी हम डिफ्रेक्शन कर रहे हैं और डिफ्रेक्शन के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। डिफ्रेक्शन का ट्यूटोरियल है और हम एक एक दो दो क्वेश्चन सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, एंड स्लिट और रिजॉल्विंग पावर से करेंगे। तो करना स्टार्ट करते हैं डिफ्रेक्शन के हम न्यूमेरिकल्स। तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 5500 एंगस्ट्रॉम लैम्डा फॉल नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ ई से। हमने जो फॉर्मूला डिनोट किया है वो ई से किया है। कुछ को ए से पता होगा तो ए से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 22.0 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एंगुलर पोजिशन फर्स्ट टू मिनिमम ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो जैसा आपको पता है कि सिंगल स्लिट में सेंटर पे जो मैक्सिमा होता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा, उसके दोनों साइड सेकेंडरी मैक्सिमा होते हैं, ठीक है। तो वो हमसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि थीटा वन, और हमसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब थीटा टू, ठीक है। थीटा वन और थीटा टू कैलकुलेट करा रहा है क्वेश्चन में, और विड्थ ई और लैम्डा हमें क्वेश्चन में दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको मिनिमा की कंडीशन पता होनी चाहिए सिंगल स्लिट में। तो मिनिमा की कंडीशन सिंगल स्लिट में होती है ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। तो एम इक्वल टू वन होगा फर्स्ट मिनिमा के लिए, एम इक्वल टू टू होगा सेकेंड मिनिमा के लिए, और क्वेश्चन के अंदर ई और लैम्डा गिवन है। तो आप थीटा वन और थीटा टू कैलकुलेट कर लेंगे। तो बिल्कुल फॉर्मूले के बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ई गिवन है 2.0 × 10⁵ सेंटीमीटर। लैम्डा को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 5500 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। फर्स्ट टू मिनिमा एम इक्वल टू वन एंड एम इक्वल टू टू फॉर सेकेंड मिनिमा। तो एक बार एम इक्वल टू वन रखेंगे, थीटा वन आ जाएगा। तो थीटा वन आपका आ रहा है 14.49 डिग्री आ गया। सिमिलरली थीटा टू करेंगे, वहां पे एम की जगह टू हो जाएगा। तो देखा जाए इस फॉर्मूले में यहाँ पे टू से और मल्टीप्लाई हो जाएगा एम इक्वल टू टू के लिए, ठीक है। तो एम इक्वल टू टू थीटा टू इक्वल टू टू लैमडा अपॉन ई। लैमडा की वैल्यू रखी 5500 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ई की वैल्यू रखी 22.0 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ये आया 0.5, तो ट्वाइस हो जाता है। तो थीटा टू 30 डिग्री आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम लैम्डा गिवन है इस क्वेश्चन में भी, इज यूज्ड इन सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट का ही क्वेश्चन है। द सेंटर मैक्सिमा फॉल आउट एट 30 डिग्री ऑन बोथ साइड ऑफ इंसिडेंट लाइट। कैलकुलेट द स्लिट विड्थ। ई कैलकुलेट करना है। तो ये भी सेम उसी क्वेश्चन का उसी तरीके का पार्ट है। क्या बोल रहा है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो दोनों साइड 30 डिग्री है, ठीक है। स्लिट विड्थ ई कैलकुलेट करना है। तो 30 डिग्री कब है? जब यहाँ पे ये फर्स्ट मिनिमा भी है, तो यानी कि मिनिमा की कंडीशन यूज कर लेंगे। मिनिमा की कंडीशन क्या होगी सिंगल स्लिट में? ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। फर्स्ट मिनिमा ही इसका एंड पॉइंट है सेंट्रल मैक्सिमा का। थीटा 30 डिग्री है, लैम्डा गिवन है, तो ई कैलकुलेट कर लेंगे। तो ई इक्वल टू हो जाएगा एम लैम्डा अपॉन साइन थीटा, और एम की जगह हम फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, वन रख देंगे। तो ई कैलकुलेट करके आएगा, ओके। तो जैसे आपने वैल्यूज रखी तो ये आ रहा है 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ई आपका 10⁻⁴ सेंटीमीटर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेन वेव ऑफ 6.0 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो लैम्डा गिवन है। फॉल नॉर्मली ऑन स्ट्रेट विड्थ ऑफ 0.2 mm। कैलकुलेट द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा। थीटा पूछ रहा है। ऑल्सो लीनियर विड्थ एज ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन प्लेस्ड ऑन 2 मीटर। अब इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये सपोज स्लिट्स हैं और स्लिट के आगे से यहाँ से जा रहा है ना। फिलहाल ऐसे दिखा देती हूँ। तो ये प्रिंसिपल मैक्सिमा है। तो एक तो आपसे ये पूछ रहा है थीटा,
ठीक है, एंगुलर विड्थ थीटा, थीटा तो टू थीटा पूछ रहा है, टोटल एंगुलर विड्थ मतलब टू थीटा पूछ रहा है आपसे। फिर लीनियर विड्थ यानी कि ये विड्थ भी पूछ रहा है वाई, टू वाई, बल्कि अगर इतनी डिस्टेंस वाई है और ये भी वाई है तो टू वाई। तो यहाँ पे मैंने एक विड्थ वाला फॉर्मूला भी लिखवाया था फोकल लेंथ का, उस पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। तो पहले तो मिनिमा की कंडीशन लिख के टू थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, उसको ट्वाइस कर लेंगे। तो लैम्डा गिवन है, ई गिवन है, ठीक है, तो इसको भी एमएम को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो 0.2 एमएम इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। तो यहां से मिनिमा की कंडीशन यूज की आपने, ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, और ये हाँ फोकल लेंथ यहाँ पे दिया है स्क्रीन से, ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है, ठीक है। तो मिनिमा की कंडीशन ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, इस कंडीशन को यूज करके आपने थीटा कैलकुलेट कर लिया, एम इक्वल टू 1 रखा। तो अगर हम थीटा को स्मॉल मान रहे हैं तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा रेडियन में हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ई। तो थीटा आया 3 × 10⁻³, इसको ट्वाइस कर देंगे तो एंगुलर डिस्टेंस आ गया आपका। देयरफॉर एंगुलर विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा 2 थीटा इक्वल टू 2 × 3 × 10⁻³ रेडियन, तो ये 6 × 10⁻³ रेडियन आ गया। नाउ लीनियर विड्थ, ये मैंने फॉर्मूला आपको पहले भी लिखवाया था, 2y इक्वल टू 2 लैम्डा f अपॉन e। लैम्डा गिवन है, f गिवन है, e गिवन है, वैल्यूज पुट करिए 2y आ जाएगा आपके पास, तो 1.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंगल स्लिट का है, तो सिंगल स्लिट के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा रखे हैं, फिर एन स्लिट की करेंगे, डबल स्लिट का एक आधी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, अ सिंगल स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट कंपोज्ड ऑफ टू वेवलेंथ्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। वन ऑब्जर्व दैट ड्यू टू फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन द फर्स्ट मिनिमा ऑब्टेन फॉर लैम्डा 1 कोइंसाइड विद सेकंड डिफ्रेक्शन मिनिमा ऑफ लैम्डा 2। फाइंड द रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बल्कि, है ना। तो क्या करना है हमें, दोनों वेवलेंथ के लिए मिनिमा की कंडीशन यूज करनी है। तो मिनिमा की कंडीशन सिंगल स्लिट में ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। क्या ध्यान रखना है, लैम्डा 1 जो है फर्स्ट मिनिमा है, लैम्डा 2 के लिए सेकेंड मिनिमा है। तो यानी कि एक बार एम इक्वल टू 1 रखना है लैम्डा 1 के लिए, एक बार लैम्डा 2 के लिए एम रखना है 2, ठीक है। तो बाय द कंडीशन वी हैव मिनिमा फॉर लैम्डा 1, ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 लैम्डा एंड ई साइन थीटा 2 इक्वल टू प्लस माइनस 2 लैम्डा 2। अब ये कह रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, एक जगह दिख रहे हैं, है ना, कि एक का मिनिमा दूसरे के मिनिमा पे ऑब्जर्व हो रहा है, तो यानी दोनों कंडीशन बराबर हो गई। तो ई साइन थीटा 1 इक्वल टू जो है ई साइन थीटा 2 के बराबर हो गई। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में क्या रिलेशन हो रहा है, लैम्डा 1 इक्वल टू 2 लैम्डा 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मिसिंग ऑर्डर। मिसिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है, फॉर डबल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन पैटर्न इफ द स्लिट विड्थ एंड दे आर अपार्ट, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.8 mm अपार्ट है ना। तो स्लिट विड्थ दिया है, ई दिया है, डी दिया है, और मिसिंग ऑर्डर पूछा है कौन कौन से ऑर्डर मिस हो जाएंगे। तो ई मिसिंग ऑर्डर का जो कंडीशन होता है वो एब्सेंट स्पेक्ट्रा का डिफ्रेक्शन के अंदर, ये ध्यान रखना, डबल स्लिट हो चाहे एन स्लिट हो, दोनों में जो मिसिंग ऑर्डर की जो कंडीशन है वो सेम ही आती है, वो क्या, e प्लस डी अपॉन ई इक्वल टू एन अपॉन एम। अब हम क्या करेंगे, स्लिट विड्थ ई और डी की वैल्यू रख देंगे इसमें। स्लिट विड्थ हमने रखा e 0.16 mm। अब हमें से यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो है तो कैंसिल आउट हो जाएगा अगर हम इसको सेंटीमीटर में भी चेंज करेंगे या मीटर में भी चेंज करेंगे। वैल्यूज रखा तो n इक्वल टू क्या आएगा, n इक्वल टू आया 6 mm। ये ऑर्डर मिस होंगे तो m की अब अलग अलग वैल्यू रख लेते हैं। m की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 ऑर्डर, m इक्वल टू t 2 तो 12 ऑर्डर, m इक्वल टू 3 यानी 18 ऑर्डर आर मिसिंग absent in this spectra। ये वाले order interference के miss हो जाएंगे।
Find the angular separation of 5048 angstrom lambda 1 and 5016 angstrom lambda 2 wavelength in second order spectrum obtained by plane transmission grating 15,000 lines per inch. तो E plus D की वैल्यू लाइंस पर इंच में दिया है, इसको आप लाइन पर सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, है ना? लैम्डा वन लैम्डा टू दिया है ग्रेटिंग में, तो ग्रेटिंग एलिमेंट E plus D तो हो गया 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 15,000, तो 15,000 पर इंच है, तो ये दे रखा था 1 अपॉन 15,000, ठीक है? अब हमें इसे सेंटीमीटर चेंज करने के लिए 2.54 से मल्टीप्लाई कर दिया E plus D को, तो ये क्वेश्चन में गिवन था, तो ग्रेटिंग एलिमेंट निकाल लिया 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 15,000. अब क्या करेंगे, एंगुलर सेपरेशन निकालना है. एंगुलर सेपरेशन मतलब थीटा वन और थीटा टू के बीच की डिस्टेंस निकाल, बल्कि थीटा वन थीटा टू नहीं है, सेकेंड ऑर्डर है, तो थीटा टू और थीटा टू के बीच में सेपरेशन निकालना है ना दोनों का. तो एक को थीटा वन बोल लो, एक का थीटा टू बोल लो, ऐसे भी बोल सकते हैं. फॉर सेकेंड ऑर्डर एन इक्वल टू टू है, मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, एंगुलर सेपरेशन निकालना है मैक्सिमा का, तो E प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, ये मैक्सिमा की कंडीशन है ग्रेटिंग के अंदर, ठीक है? E प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, एन दिया है, लैम्डा दिया है, E प्लस डी दिया है, साइन थीटा या थीटा निकाल लेंगे दोनों के लिए, ठीक है? और दोनों के बीच का डिफरेंस थीटा वन आ गया, थीटा वन के लिए आया थीटा वन 36.6, लैम्डा टू के लिए कैलकुलेट किया 36.33, एंगुलर सेपरेशन क्या हो गया, थीटा इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू, तो 0.27 डिग्री, ठीक है? और बेस्ट ऑफ लक, और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो फर्दर, और कोई वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो. मेरी तो अपनी तरफ से कोशिश रहती है कि अगर टाइम मिले तो मैं वीडियो बना लूं, लेकिन आप जब तक इसको शेयर नहीं करेंगे थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो जाता है बनाने का वीडियो. चलिए, हैव अ नाइस डे.